तो गाइस बैड ब्लड के बाद ये रोमेज का पहला स्मैकडाउन है जहां आने के बाद उन्होंने टीज कर दिया कि आखिर उनका अगला स्टेप क्या होने वाला है ब्लडलाइन के प्रति। उसके बाद गाइस यहां पर जिमी उसो ने क्या कहा जी उसो के बारे में, क्या एक बार फिर से जी उसो का रिटर्न देखने को मिलेगा इस बार के ब्लडलाइन। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आज क्या कुछ हुआ इनके बीच प्रोमो सेगमेंट के दौरान। तो गाइस यहां पर आज के स्मैकडाउन के शो की शुरुआत होती है यहां पर जिमी उसो से। तो जिमी उसो यहां पर रिंग में आने के बाद किक ऑफ शो की शुरुआत करते हैं और गाइस यहां पर जिमी उसो ये भी बोलते हैं कि किस प्रकार वो सोलो सिकोवा को आने वाले मैचेस में फोड़ने वाले हैं। और जिमी उसो के यहाँ पर प्रोमो सेगमेंट चल ही रहा होता है तभी वह एंट्रेंस देखने को मिलता है रोमन रेंज का। और वैसे भी गाइस रोमन आज यहाँ पर काफी मूड में थे, उनके आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक का कुछ अलग ही प्रकार का रिएक्शन देखने को मिल रहा था। आने के बाद वो जिमी उसो को यहाँ पर सबसे देते हैं और जिमी उसो अपना माइक यहाँ पर रोमन को दे देते हैं एक रिस्पेक्ट के अनुसार। स्टार्टिंग में तो यहाँ पर रोमन कुछ समय के लिए मुस्कुराते हैं और थोड़ा सा चक्का लगाते हैं रिंग का, फिर उसके बाद यहाँ पर अपना प्रोमो सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। उसके बाद गाइस आज यहाँ पर थोड़ा सा अलग देखने को मिला, यू के यहाँ पर रोमन खुद को एक्नॉलेज नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि एक्नॉलेज जिमी उसो। और तभी गाइस यहाँ पर जिमी उसो यहाँ पर रोमेज का बात सुनकर और भी खुश हो जाते हैं और उनके प्रति यहाँ पर रिस्पेक्ट दिखाने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर रोमेज बोलते हैं कि गाइस उनको वो सभी चाहिए जो उनके चाहिए होगा और वही वो 4 साल से यहाँ पर करते आ रहे हैं। और गाइस इसी वजह से वहाँ पर ग्रेटेस्ट टाइम ऑफ ऑल बने हुए थे, अब इस समय वो उस पोजिशन को होल्ड करना चाहते हैं और जिस पोजिशन पे वो इस समय बिल्कुल वो पसंद नहीं करना चाहते, वो अपने यहाँ पर ग्रेटेस्ट टाइम ऑफ ऑल कैरेक्टर में आना चाहते हैं। उसके बाद गाइस इसी पर यहाँ पर जिमी उसो बोलते हैं कि उनको एक रेसलर की जरूरत है जो यहाँ पर एक बार फिर से आपको एक्नॉलेज कर सकता है। और जब यहाँ पर रोमेज उनसे पूछते हैं कि आखिर वो कौन है, तब यहाँ पर जिमी उसो बोलते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि ईट यानी कि जी उसो। और गाइस तभी यहाँ पर रोमेज जिमी उसो से बोलते हैं कि नो ईट यानी कि नहीं जी उसो नहीं। उसके बाद गाइस यहाँ पर जिमी उसो उनको बोलते हैं कि आप हमेशा के लिए यहाँ पर ट्रैवल चीफ रहोगे, केवल उसे एक्नॉलेज करने दो आपको। और गाइस ऐसा कहने के बाद यहाँ पर जिमी उसो रिंग छोड़कर चले जाते हैं और रोमेज यहाँ पर कंटिन्यूअसली सोच ही रहे होते हैं उसके बारे में। उसके बाद गाइस इनके बीच यहाँ पर प्रोमो सेगमेंट आज यहीं समाप्त हो जाता है।